हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आरएस एमएसएसबी जेई का जो आज एग्जाम हुआ है 10 o'clock से लेकर 12 o'clock उसके सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन का ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज विच इज द सिंबल यूज्ड फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो वेल ग्रेडेड है, ये हमारा ग्रेडेशन वेल ग्रेडेड है, विच इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू एंड ग्रेवल इज डिनोटेड बाई जी। तो जो हमारा ऐसी क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी फर्स्ट लेटर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ सॉयल एंड सेकंड विल डिनोट द ग्रेडेशन ऑफ द सॉयल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट। रिटार्डर मीन्स जो हमारे सेटिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। बेसिकली हम सीमेंट में आपने सुना होगा कि हम जिप्सम डालते हैं एंड जिप्सम इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द रिटार्डर यूज्ड इन द सेटिंग ऑफ डिले द सेटिंग ऑफ द सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट अ एंडोजिनस ट्री। हमारी जो एंडोजिनस ट्री नहीं है इसमें, वो है देवदार। देवदार हमारी कोनीफेरस ट्री है, विच इज अ एक्सोजेनस ट्री क्लासिफिकेशन। जो बंबू, पाम और केन है, ये हमारे एंडोजिनस ट्रीज में आते हैं। देवदार हमारा एक्सोजेनस ट्री की कैटेगरी में आता है। क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर। क्विक लाइम बेसिकली हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्सिनेशन से बनाते हैं। तो अगर इसके साथ पानी का रिएक्शन होता है तो जो हमारा बनता है कंपाउंड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट रिलीज होती है, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम बेसिकली। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो कहता है कि जो शियर स्ट्रेसेस हैं किसी भी फ्लूड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे आप रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, एंड दैट वेलोसिटी कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज गिवन बाय डायनामिक विस्कोसिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप देता है। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछी गई है, ठीक है। तो डायनेमिक यूनिट की विस्कोसिटी आपको पता है, दैट इज पास्कल सेकंड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की आपको यूनिट है फोर्स, एमएलटी माइनस टू होती है। सेकंड की आपकी टी हो गई, एम स्क्वायर को आप एल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एम एल माइनस वन टी माइनस वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्राइंगुलर नॉच या वियर है, ठीक है, मान लो आप रेक्टेंगुलर चैनल में आपने क्रॉस सेक्शन में आपने नॉच वियर प्रोवाइड किया, तो जो इससे हमारा डिस्चार्ज आने वाला होगा दैट इज गिवन बाय सीडी इनटू रूट टी जी टैन थीटा बाय टू। थीटा हमारा क्या है, ये वर्टेक्स एंगल जो है ये थीटा है, इनटू एच की पावर 5/2, ठीक है। पावर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, एंड दिस सीडी वैल्यू इज द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा जो सीडी के साथ पैरामीटर होगा दैट इज गिवन बाय 8/15 सीडी इनटू रूट टू जी tan थीटा by 2 h पावर 5/2। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैरेलल लाइंस या कंसेंट्रिक सर्कल्स, सपोज एक लाइन है इससे पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऑटोकैड में, तो आप जो फंक्शन यूज करते हो, ऑफसेट यूज करते हो, यहाँ पे जस्ट आपको ऑफसेट देना है, तो ऑटोमेटिकली इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन हमारी बन जाती है ऑटोकैड में, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ 90° स्ट्रेट लाइन इन ऑटोकैड। तो वो हमारा ऑप्शन जो होता है वो ऑर्थो ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप 90° पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ब्रिक मेसनरी में जो बॉन्ड प्रोड्यूस होता है हमारा, जिसमें हमारे जो हेडर्स और स्ट्रक्चर है वो अल्टरनेट लेयर्स में आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में, तो जो हमारा बॉन्ड बनता है वो हमारा कहलाता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है, जिसपे हमारा स्टोन क्रश कर जा रहा है, वो हमारा जिन स्टोन्स की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है ग्रेटर देन 100 N/m² या 100 MPa से ज्यादा है, वो हमारी गुड बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में आते हैं। जो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर है, इकोनॉमिकल मींस जो हमारा जिस गर्डर का जो वेट आ रहा है वो हमारा मिनिमम आ रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग स्टिफनर जो हमारे प्लेट गर्डर्स में यूज किए जाते हैं, दैट आर यूज टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द वेब, और साथ ही साथ जहां पर भी हमारा कंसेंट्रेटेड लोड आ रहा है वेब पर, सो दैट जो क्रशिंग है वेब की वो हम प्रिवेंट कर सके, एंड साइड स्वे बकलिंग कैन बी अवॉइडेड। तो ये हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट जो इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन केस ऑफ स्लैब्स। तो आपको पता है कि हमारा 0.5
0.15% यूज करते हैं जब हम माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, और 0.12% हम यूज करते हैं ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम HYSD बार या वेल्डेड वायर फैब्रिक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट नहीं दिया है, तो वी हैव टू कंसीडर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्लैब, ठीक है, यानी बी अगर विड्थ है स्लैब की और टोटल ओवरऑल डेप्थ जो है वो हमारी निकल के टोटल एरिया आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M150 ग्रेड के लिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कितनी, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स बॉन्ड स्ट्रेस, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस है वो कितनी होगी। M150 का जो अभी नया रिसेंट कोड है उसमें M50 का मतलब है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि FCQ को रिप्रेजेंट करती है, एंड इट इज गिवन बाय F150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और IS456 के लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन के हिसाब से जो भी ग्रेड हमारा M40 या उससे ज्यादा ग्रेड की कंक्रीट है उस केस में जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेस आपको लेनी है डिजाइन में, दैट इज टेकन एज अराउंड 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो 1.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर को आप लिख सकते हो 10 kg/cm². तो आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस आ जाएगी दैट इज गिवन एज 19 kg/cm². तो नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा। ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी जगह पर अलग अलग आंसर दिया है, बट करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर एज पर रिसेंट IS कोड हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड है एस्टिमेशन के लिए, उसमें लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल जो होगी दैट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड 1/4 ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, जो हर साइड में जो वॉल है उसका 1/4 जो विड्थ है वो हम कंसीडर करते हैं टू कंसीडर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्ग वॉल्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन जो कि हमारा थीटा डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ये हमारा वाटर सरफेस है एंड दिस इज इमर्स्ड। तो जो हमारा टोटल फोर्स आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज गिवन बाय रो जी एच बार इनटू ए। ये फोर्स हमारी कहां पर लग रही है, एट अ डिस्टेंस एच बार बिलो द सरफेस ऑफ द फ्रॉम द वॉटर सर्फेस। तो एच बार जब तक हमारा सेम रहेगा, यानी हमारी जो बॉडी का एंगल थीटा सेम रहेगा, तो एच बार हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जो ये रो जी एच बार है दैट इज टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस, तो पी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट एंगल होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, टोटल प्रेशर जो एक्ट कर रहा होगा वो हमारा पी इंटू ए होगा, ठीक है। जहां पर जो P है ये हमारा प्रेशर है, एक्चुअली ये हम फोर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, जो टोटल प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अप्रोक्सीमेट रेशियो है बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 7 डेज, जो 7 डेज पे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ आ रही है और जो 28 डेज पर स्ट्रेंथ आ रही है, ये आपने पढ़ रखा है कि इट इज अराउंड 67%, ठीक है। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2/3, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है और हमसे बोला जा रहा है कि हमारा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो डॉट लाइन है ये हमारी डमी एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है। डमी एक्टिविटी इज बेसिकली एक ऑपरेशन है जो कि हमारी एक्टिविटीज के बीच में इंटरडिपेंडेंसी इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें पहला ऑप्शन है इवेंट 7, जो इवेंट 7 है जो कि मार्क कर रहा है हमारा यहाँ पर, कैन अकर आफ्टर इवेंट 4, ये इवेंट 4 के बाद हो सकता है, बट ये टोटली करेक्ट नहीं है, इट इज हाफ करेक्ट, बिकॉज 7 के होने के लिए हमारे 3 का भी होना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज ये डमी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। मीन जब तक 3 और 4 एक्टिविटी दोनों कंप्लीट नहीं होगी हमारा इवेंट 7 अकर नहीं होगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर दूसरे ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे तो करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन A होगा। उसका दूसरा ऑप्शन देखें, अगर इवेंट 7, जो इवेंट 7 है वो हमारा इवेंट 6 के पहले है, ठीक है, तो ये हमारा इवेंट प्रीसीडिंग इवेंट है 6 इवेंट का, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। इवेंट 5 जो है वो इवेंट 3 को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा सक्सेसर इवेंट है, इवेंट 3 के लिए 5 हमारा सक्सेसर इवेंट है बिकॉज उसको फॉलो कर रहा है। जो हमारा डी ऑप्शन है इवेंट 3 और 4, ठीक है, इवेंट 3 और इवेंट 4 जो है दे कैन अकर आफ्टर इवेंट 2, ठीक है, तो ये इवेंट 2 था, 2 के बाद ये इवेंट हमारे दोनों हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगा, वो ऑप्शन A होगा। और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन A इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी मैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो जो भी स्टूडेंट्स ने अपना पेपर
कर लिया वो अपनी आंसर कीज मैच आउट कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।